এই লড়াই বিজেপি এবং সরকারি এজেন্সির বিরুদ্ধে লড়াই ভারতীয় সংবিধানকে বাঁচাতে কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের শরিক এবং দেশবাসী যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ এটাই ছিল সংবিধানকে বাঁচানোর প্রথম পদক্ষেপ নৈতিক হার হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য রাহুল গান্ধীর এ জয় লোকতন্ত্রের জয় বিকশিত ভারতের জয় পাল্টা মন্তব্য নরেন্দ্র মোদীর CBI, ED, ये सब आधी जुडिशरी इन सब के खिलाफ हम लड़े थे क्योंकि इन सब संस्थाओं को इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा धमकाया डराया संविधान को बचाने की थी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला पार्टियां तोड़ी मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गठबंधन के पार्टनर से कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है सिद्ध भारत के प्रण की जीत है ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है